नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे 1 kg ये शिमला मिर्च अच्छे से धो के साफ करके ले ली हूँ। इसका मैं बनाऊंगी स्टफ करके शिमला मिर्च। ये है 4-5 टमाटर, 3 प्याज और 3-4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 लहसुन की कलियाँ। और ये है आलू 1/2 kg। आलू को मैं बॉयल करके रफली इसे मैश करके ली हूँ। और ये जो शिमला मिर्च है इसे मैं अभी कट करके दिखाऊंगी इसे किस तरह से कट करना है। इसे मैं भर के बनाऊंगी, भरवा शिमला मिर्च यहाँ पे मैं बनाऊंगी। बहुत ही यम्मी टेस्टी सा लगता है। बच्चे यदि शिमला मिर्च नहीं खाते हैं तो उन्हें भी ये पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आलू भी है। आलू अक्सर बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो ये देखिए कैसे मैं इसे कट कर रही हूँ। बीच से चाकू की नोक से ऐसे आराम से गोल घुमा के इसके अंदर का आप सारा निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो होता है शिमला मिर्च के अंदर बीज वगैरह और भी इसके अंदर होता है स्किन, तो वो सब इसका निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा कट लगाएं, उसके बाद बाहर से इसे टैप करें। देखिए इस तरह से हाथों से मार मार के इसे ऐसे दबाएं हल्के हाथों से, बिल्कुल आराम से इसके अंदर का सारा निकल जाता है। और इसी तरह से मैं सारा अभी आपको दिखाऊंगी। एक और देख लीजिए आप किस तरह से मैं खाली करूंगी इसका। ये देखिए इस तरह से गोल घुमाना है बहुत ही आराम से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकल जाता है इसका। दोनों हाथ से आप ये करें, एक हाथ में अच्छे से पकड़ के रखें, दूसरे हाथ से इसे ऐसे कट करें। देखिए ये सारा अंदर से जो निकला है शिमला मिर्च ये पूरा खाली हो गया है, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ। और ये इसके अंदर से जो निकला है सो है। इधर अदरक लहसुन और हरी मिर्चा का ये चॉप किया हुआ, और प्याज और ये टमाटर भी, ये सारा इस चॉपर में मैं महीन चॉप कर ली हूँ। और ये आलू बॉयल करके ऐसे मैश करके रखी हूँ मैं। ये 1/2 kg आलू है। तो बस यहाँ मैं गैस पर कढ़ाई डाल दी हूँ। अब मैं इसे स्टफिंग इसका फ्राई करूंगी। अब देखिए कैसे 2 चम्मच मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल दी हूँ। और बस अब इसमें मैं तड़का डालूंगी सरसों तेल में। थोड़ा सा मैं जीरा यहाँ पे 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा मैं डाल दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है। और बस अब इसमें 2 चुटकी हींग मैं यहाँ डाल दी। और उसके बाद ये जो है अदरक लहसुन और हरी मिर्चा का जो चॉप किया हुआ महीन, वो मैं पहले इसमें डालूंगी। इसे 2 मिनट हल्का गोल्डन होने तक मैं इसे भूनूंगी, ताकि ये लहसुन अदरक वगैरह जो है ना अच्छा थोड़ा सा भून जाए, क्योंकि प्याज वगैरह डाल देंगे तो फिर वो इतना नहीं भूनता है अच्छे से। तो ये देखिए उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। तो प्याज डालने के बाद भी ये 2 मिनट ही भुनना है, प्याज डालने के बाद ज़्यादा नहीं भुनना है। उसके बाद ही मैं इसका जो शिमला मिर्च के अंदर से जो निकला है ये सारा मैं इसमें डाल दी। आप चाहे तो यहाँ बीज नहीं खाना चाहते हैं तो उसे भी हटा सकते हैं। इसके अंदर जो बाकी स्किन वगैरह है वो सब इसमें ज़रूर डालें, इसका बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। और उसके बाद ही मैं 2 मिनट भूनने के बाद इसमें बस ये जो टमाटर चॉप करके रखी थी वो सारा टमाटर इसमें मैं डाल दूंगी। टमाटर यदि आपका खट्टा है तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इसमें। यदि खट्टा नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा आमचूर पाउडर यूज कर सकते हैं। और ये देखिए नमक मैं इसमें स्वादानुसार डाल दी हूँ 1 चम्मच के करीब। ये देखिए और ये नमक डालने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट भुनी हूँ। उसके बाद ही मैं इसमें मसाला, ये 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच मैं यहाँ पे धनिया, और ये 1 चम्मच गरम मसाला, और ये मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर भी मैं डाल दी हूँ। बस इतना ही मसाला मैं इसमें डालूंगी। आप यहाँ पे मसाला अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टेस्ट आपको जैसा पसंद हो, लेकिन इस तरह से आप फ्राई करके भून के टमाटर और प्याज वगैरह ज़रूर डालें, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है। तो ये देखिए 2 मिनट मैं ढक दी थी, नमक वगैरह डाल गया था मसाला, उसके बाद अच्छे से ये फ्राई हो गया है। कम कर दिए थे गैस को, अभी मैं गैस फिर फुल कर दी हूँ। और उसके बाद ये आलू डाल के मैं 2-4 मिनट और भूनूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भूनना है, दबा दबा करके, ताकि अच्छे से आलू में चला जाए। आलू आप कभी भी बिल्कुल मिक्स करके नहीं ले, थोड़ा रफली ही मैश करें तो इसमें और अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरह से बस मिक्स करना है। ये हो गया है, 5 मिनट ही भूनना है इसे, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये शिमला मिर्च के अंदर जाके ही फ्राई होगा। ये मैं कढ़ाई धो के फिर वही ले आई हूँ और यहाँ गैस पे गर्म होने के लिए रख दी। और ये देखिए शिमला मिर्च के अंदर कैसे भरते हैं। इसे भरने का ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट से भरा जाता है। ये चम्मच में आप उठाए, थोड़ा पतला चम्मच लें, उसके अंदर डाले और उसके डंठल से इसके अंदर आप दबाते जाएं, बहुत ही आराम से इसमें भरा जाता है। बिल्कुल गर्म गर्म ही आप इसे भर सकते हैं आलू को। तो ये इस तरह से देखिए मैं सारा भर ली हूँ।
हाथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, आराम से ये भर गया है स्पून से ही। और ये देखिए इतना सा बस बच गया है, ये सारा इसके अंदर आ गया है। दबा के अच्छे से मैं भर दी हूँ। और ये देखिए मैं 2-3 स्पून यहाँ पे सरसों का तेल ली हूँ, इसी में मैं इसे फ्राई करते हुए पकाऊँगी। तो यहाँ मैं इसमें तड़का भी दूँगी, ये है सरसों, 1 स्पून भर के मैं यहाँ पर सरसों डालूँगी। आप यहाँ पर सरसों यदि नहीं पसंद करते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, सरसों का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो बस एक एक करके सारा शिमला मिर्च मैं इसके अंदर छोड़ दी कढ़ाई में, ये देखिए ऐसे डाल देना है कढ़ाई के अंदर। और बस आराम से इसे बीच में गैस बिल्कुल फुल रखना है और बीच में ये फ्राई होते जाएगा, क्योंकि इसका तेल जो है बीच में है, तो इसे बिल्कुल पलट पलट के आराम से फ्राई करें। ये इसका जो अंदर जो डाले हैं आलू वगैरह स्टफिंग वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, अच्छे से दबा हुआ है ये। आप इसे आराम से इसे देखिए इस तरह से, इसका बाहर से स्किन जो है ना बिल्कुल फ्राई होना चाहिए अच्छे से। ये देखिए आपको कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, इसी तरह से कलर चेंज करते हुए इसका बाहर का स्किन ज़रूर फ्राई करें, इससे बहुत ही अच्छा यम्मी सा टेस्ट आता है। यदि आप अभी सीधे गैस कम करके ढक के रख देंगे तो ये इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना इस तरह से आप इसे फ्राई करके बनाएंगे। तो अभी 5-7 मिनट इसे आप फुल गैस पर ही अच्छे से फ्राई करें इस तरह से, बहुत ही अच्छा खुशबू और इसका आवाज़ भी आएगा आपको, वो मैं यहाँ नहीं सुना सकती, वॉइस ओवर में वो नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से बाहर से आपको स्किन इसका दिख रहा है, सारा कलर चेंज हो गया है, फ्राई हो गया है ये। अब इसके बाद मैं गैस कम कर दी हूँ और ये नमक मैं यहाँ पे बाहर से स्किन के लिए जितना नमक इसमें चाहिए, बाहर का इसका जो कवर है इसमें थोड़ा नमक कम होता है, इसलिए थोड़ा और नमक इसमें डाल दें आप। और स्टफिंग में तो अंदर नमक पड़ा है, इसलिए आप हिसाब से ही नमक इसमें बाहर से डालें, ताकि इसको इसमें मॉइस्चर भी देगा ये नमक और अच्छे से बाहर से स्किन को थोड़ा गला भी देगा। तो ये अभी गला नहीं है, बस फ्राई हुआ था। तो मैं यहाँ ढक के देखिए ये 2-3 बार मैं यहाँ चेक कर लूँगी। अभी देखिए ये मॉइस्चर छोड़ दिया है ना, और फ्राई भी हो रहा है साथ में। ये देखिए थोड़ा और पकेगा अभी, तो मैं 5 मिनट और ढक के इसे अभी रहने दूँगी। दूसरी तरफ मैं तब तक रोटी बना लूँगी, इसको एक तरफ रख के कम करके दूसरी तरफ मैं यहाँ रोटी बना ली हूँ। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है बिल्कुल, आज मैं ये डिनर में बनाई हूँ, तो बहुत ही यम्मी टेस्टी सा बना है ये शिमला मिर्च। तो आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर से करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसी बनी ये रेसिपी। ये है मेरा आज का डिनर, ये देखिए ये शिमला मिर्च बहुत ही यम्मी टेस्टी बना है, देखिए दिख रहा है ना कितना यम्मी। तो आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी।